गर्म गुंडो घाट से। और दोस्तों टाइमिंग की बात की जाए ना, थोड़ी सी लेट वीडियो स्टार्टिंग हो जाए, और साढ़े मतलब 4 बजने वाला हो चुका है। और देखो लोग अभी से बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, देखो माँ गंगा की आरती देखने के लिए। मैंने तुम्हें बोला नहीं बोला आरती के लिए सब लोग पहले ही अपना स्नान बांध लेते हैं, इन लोगों ने बांध दिया। देखो आरती होने से पहले ही बैठ जाते हैं लोग, क्योंकि आगे जब बैठते हैं ना लोग तो तभी यहाँ पे जाके आरती देख पाते हैं, ठीक सामने यहाँ पे ना तभी आरती देख पाते हैं दोस्तों। और ये नज़ारे देख लो, अभी चलता हूँ धीरे धीरे, ठीक है, मेन घाट पे। ऐसे बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते जाए। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका नाई वाले घाट पे, और यहाँ पे बीच में लहरों की देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा तेज़ लहरें चल रही गाइस पानी की। देखो पानी का बहाव देख लो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है, आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, बहुत ज़्यादा पानी का बहाव तेज़ चल रहा है। और यहाँ पे देखो अब इन घाटों में कोई नहीं रहता है, क्योंकि जो मेन घाट है ना आरती के लिए जो देखने के लिए होता है, वो मेन घाट ब्रह्मकुंडो, यानी कि जो घाट मैंने पहले दिखाया ब्रह्मकुंडो वाले घाट, उन घाटों पर ज़्यादा रहता है, लेकिन इन घाटों में कम हो जाता है। और ये लोगों को देखो यहाँ पर इस तरह से चेक कर लो भाई, ये देखो, और सामने रापर माँ मनसा देवी का मंदिर पहाड़ पे, देखो ये दिख रहा तुम्हें। और धूप देखो, धूप चली गई है पूरी, अभी थोड़ी बहुत किरणें रह चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन सामने तक नज़ारा देखो। तो दोस्तों ये देख लो मैं पहुँच चुका धनुष वाले पुल की तरफ, और यहाँ से पानी की लहरें देख सकते हो, कितने तेज़ बहाव में पानी चल रहा है माँ गंगा का, इस तरफ आप देख सकते हो। ये देखो भीड़ की बात की जाए तो अभी भीड़ बहुत कम हो रखी है, क्योंकि धीरे धीरे आरती शुरू होगी तो भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, अभी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी ना माँ गंगा की आरती देखने के लिए लोग बैठते जाएंगे। देखो अभी देखो धीरे धीरे देखो बढ़ती रहेगी, देखो जो कि आरती 5:30 बजे तक होती है दोस्तों, और लोग यहाँ पर 1.5 से 2 घंटा पहले बैठ जाते हैं। ये देखो पहले इसलिए बैठ जाते हैं ना, क्योंकि आगे जो बैठता है ना भाई वही आरती देख पाता है ढंग से, जो भाई भी आगे बैठता है ना वो अच्छे से आरती देख पाता है। और देखो मौसम आज बिल्कुल साफ हो रखा है, पर शाम के टाइम थोड़ी बहुत ठंडी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोहरा पड़ जाता है इसलिए थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है। पर अभी ये नज़ारे देख लो, ये देखो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये नज़ारे जो देख रहे हो ना ये है 11 दिसंबर के दिन, ये देख 11 दिसंबर के दिन आप ये नज़ारे देख रहे हो। और देख लो पूरे सामने वाले घाट देख लो, ये देखो दोस्तों कितने ज़्यादा संख्या में लोग बैठने लग गए धीरे धीरे, अभी देखना धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे लोग, पर अभी मैं जाऊंगा धीरे धीरे मेन प्रमुख घाट पे, हमारे साथ ऐसी बने रहेंगे। ये देखो दोस्तों यहाँ से बैठने स्टार्ट हो चुके, देखो इन लोग वो देखो, ये देखो ये सब पहले बैठ चुके हैं, देखो ये देखो ये लोग बैठ जाते हैं यहाँ पर। और ठीक सामने होती आरती, वहाँ पर जो सामने है ना वहाँ पर होती आरती, और आरती का अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने लग गया। देखो ये देखो चाय ये देखो दोस्तों चाय। चलते हैं आगे वाले मेन घाट पे, और वहाँ पे कुछ नज़ारे दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है चलो। यहाँ से देखो दोस्तों ये देखो ये नज़ारे देखो दोस्तों, बीच में देखो पानी कितना साफ हो चुका है देखो, और ये लोग पहले बैठ चुके हैं, देखो ये सभी लोग आरती के लिए पहले बैठ चुके हैं, और लेकिन बीच में पानी देख लो कितना साफ हो चुका है पूरी तरीके से। ये देखो और चलेंगे धीरे धीरे सामने, ठीक है ये नज़ारे देखो, चलते आगे के कुछ आगे के हाथ के नज़ारे दिखाने के लिए तुम्हें। यहाँ पे देखो गाइस पहले बैठ चुके हैं लोग, देखो आरती देखने के लिए ना पहले बैठ जाते हैं लोग, क्योंकि पहले बैठने पे फायदा भी है। देखो दोस्तों ये नज़ारे ये देखो दोस्तों यहाँ पे देखो भाई कुछ लोग सामने स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो सामने दिख रहा है स्नान, ये देखो। पर आरती के समय आप लोग माँ गंगा में स्नान नहीं कर पाते हो, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब माँ गंगा की आरती होती है ना तो आप लोगों को खुद मना किया जा रहा है कि अभी स्नान नहीं करें, भले उससे पहले कर लें या फिर बाद में करें, क्योंकि आरती के समय स्नान नहीं किया जाता था।
ये देखो दोस्तों, और हरिद्वार की हर एक नई नई वीडियो, नई नई अपडेट माँ लोगों के लिए लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में जय माँ गंगे तो लिख ही देना, और माँ गंगा के लिए कमेंट तो ज़रूर कर देना दोस्तों। और यहाँ देखो दोस्तों, पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख लो पानी कितना है। देखो पानी की बहाव हमें बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है, क्योंकि इतना पानी नहीं था पहले, और अभी पानी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, अब पानी बढ़ा दिया है, क्योंकि सामने से देखने से ही लग रहा है कि पानी की बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। पानी गंगा जल का बहाव भी बहुत तेज़ हो चुका है, बट यहाँ पे सफाई लोग करते रहते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, ये सफाई करते रहते हैं, क्योंकि बैठने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो लोगों को, दिक्कत क्या मतलब गीला ना रहे ना नीचे से, इसलिए ये लोग सफाई ज़रूरी रखते हैं। तभी स्नान नहीं करने को बोलते हैं, क्योंकि गीला हो जाता ना सब कुछ, तभी इसलिए मना कर दिए जाते हैं। लेकिन सामने वाले घाट में थोड़े बहुत लगे हुए हैं ना अभी लोग, ये भी अभी 5 बजे इनको भी मना कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 बजे से आरती स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, इसलिए इनको स्नान करने के लिए मना कर दिया जाता है। ये देखो भाई, ये छोटे बच्चे को देख लो भाई सामने, कैसे स्नान करता है। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ लोग माँ गंगा को पार करते हैं, सामने की ओर निकल चुके, ये देखो। और मौसम दिखा दो, तो मैं आज का थोड़ा मौसम दिखा देता हूँ। देखो ये रे चारों तरफ मौसम देख सकते हो, थोड़ा बहुत रात में कोहरा लग जाता है, क्योंकि ठंडी का टाइम है, अब तो कोहरा लगेगा ही दोस्तों, थोड़ा बहुत कोहरा बढ़ जाता है रात के समय, और सुबह और शाम को थोड़ी बहुत ठंड बढ़ जाती है। लेकिन ये नज़ारे अभी के चेक कर सकते, बस आरती शुरू ही होने वाली है, 5:30 बजे से आरती शुरू हो जाती है, और यहाँ पे धीरे धीरे लोग बैठना स्टार्ट भी कर देते हैं, इन लोगों को स्नान करते हुए देख लो, ये इन लोगों को देख लो भाई, ये ठंड कितनी लग रही है देखे भाई भाई पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, ठंड तो लगेगी गाइस, लेकिन एक बार स्नान करने के बाद फिर ज़्यादा इतना ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये लोग देखो पानी में ही है। ये देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लो लहरे की आवाज़ देख रही, ये देखो कितनी ज़ोरों शोरों से माँ गंगा की लहरें चल रही है दोस्तों। ये देखो जो छोटी सी लड़की है, देखो भाई अभी भी तैर रहा है, और धीरे धीरे सूरज की किरणें भी पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई, देखो धीरे धीरे सूरज की किरणें भी जानी स्टार्ट हो चुकी है। पर यहाँ पे देख लो दोस्तों, किरण देख लो लहरें, ये देखो। और दोस्तों अभी अब यहाँ से देख लो नज़ारे, ये देखो ये पूरे नज़ारे दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ से। अभी चलूँगा मैं सीधे यहाँ से, निकलते हुए निकलूँगा आप धनुष वाले पुल की ओर। और आज की नई अपडेट यही रही कि मौसम साफ़ है दिन में, पर सुबह शाम ठंड है दोस्तों, और 5:30 बजे आरती हो स्टार्ट हो जाती है, मतलब 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है, और लोग तुमने देख लिए 4 बजे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आरती देखने के लिए। और ये नज़ारे पर पहाड़ के भी देख लो, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे लहरें देख लो दोस्तों माँ गंगा की। दोस्तों यहीं से आप शिव वाले घाट के नज़ारे देख सकते हो, यहीं से देख लो दोस्तों, क्योंकि मैं सामने जाने रहा हूँ, बस यहीं से होते हुए मैं निकल जाऊँगा सीधे नाई वाले घाट से होते हुए, और बाकी आपको मैंने आज के नज़ारे दिखा दिए, बस लास्ट इधर से होते हुए मैं नाई वाले घाट को निकल जाऊँगा, बट यहाँ से आप ये नज़ारा देख लो। कल दोस्तों मैं कल रात के समय आया था ना 5 बजे के करीब, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट आज मुझे थोड़ी कम है कल से, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। कल तो सामने वाला जो हाईवे दिख रहा ना तुम्हें, ये देहरादून का हाईवे, ये भी अच्छे से दिख नहीं रहा था दोस्तों, पर आज देखो वीडियो बनाते समय दिख रहा है। और सामने रही माँ गंगा की मूर्ति, कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे नमामि गंगे लिखना मत भूलो। ये देखो पानी देख लो कितने तरीके से साफ हो चुका, पूरी तरीके से माँ गंगा का पानी साफ हो चुका। और अभी मैं कहाँ पहुँच गया दिखाऊँ तुम्हें, ये नज़ारे देख लो भाई, ये देखो वाह क्या नज़ारे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों ठीक धनुष वाले पुल के सामने, और यहाँ से आप पूरे नज़ारे चेक कर सकते हो, देखो सामने तक भी दिख रहा तुम्हें, ये देख ये नज़ारे आप देख रहे हो, ये रहा धनुष वाला पुल। देखो मेरे पीछे भीड़ देख लो, आरती के लिए भीड़ देख लो, आरती के लिए पूरे लोग बैठ चुके हैं, देखो सामने तक दिख रहा तुम्हें, ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक देखो पूरा देख लो भाई, पूरे लोग बैठ चुके हैं ना धीरे धीरे। दोस्तों आप देख सकते हो पूरी तरीके से आरती के लिए बैठ चुके हैं, और समय भी 4:30 हो चुका है, बस आधा घंटा बचा है, बस आरती स्टार्ट होने वाली है, और अभी देखना धीरे धीरे पूरी तरीके से फुल हो जाएंगे ये। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका ठीक नाई वाले घाट के सामने, और यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हो, बस देख लो आप
बीच में पानी की लहरें आप देख सकते हो दोस्तों, सॉरी बीच में माँ गंगा जल की आप लहरें देख सकते हो। ये देखो कितनी कितने तेज बहाव में चल रहा है, और कुछ लोग वो रेलिंग को पार करके इस तरफ जा रहे हैं। देखो इनको मैं यही बोलता हूँ यार कि इस तरफ नहीं जाए यार, ये देखो फिर भी उसी तरफ जा रहे हैं। देखा तुमने, इस तरफ जाए तो बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, उस तरफ नहीं जाए यार, रेलिंग से इसी तरफ नहाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि रेलिंग बनाई रहती है, उस तरफ पानी अगर रहता है ना तो बहुत ज़्यादा बहाव रहता है। अगर गलती से भी अगर आपके हाथ से चैन छूट गई ना तो आप इस ब्रिज से होते हुए नीचे से निकल जाओगे। ये देखो भाई इस तरफ नहा रहे हैं, देखो ये देखो दोस्तों। आई होप कि तुम्हें आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ठीक है। बाकी आज की माँ गंगा की मैंने तुम्हें दर्शन करा दिए, बाकी सभी घाट के दर्शन करा दिए, बाकी चलता हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे नमामि गंगे लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।